सीती मार। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को लेकर इतनी ट्रोलिंग हुई थी। सलमान खान के इस गाने ने आखिर धमाल मचा दिया है। 150 मिलियन व्यूज दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा व्यूज काउंट है। इतना बड़ा व्यूज काउंट है कि ये हेटर्स के मुंह पर साफ कहे तो करारा तमाचा है, वो भी गर्मा गर्म। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था राधे फिल्म का पहला गाना सीटी मार, जिसे लोगों ने कहा ये कॉपी है, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, देवी सी प्रसाद का म्यूजिक है, चुराया है गाना, क्या क्या बोला गया। मतलब जितना हो सका सलमान खान की बैंड बजाने की कोशिश की गई ट्रोल करके कि ये कॉपी चोस एक्टर है, इसका खुद का ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सीटी मार सॉन्ग ने 150 मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं और ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये गाना कमाल का था। और सलमान खान जो भी गाना चूज कर लेते, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री का कुछ भी हो, वो ब्लॉकबस्टर होता है, ये बात देवी श्री प्रसाद ने साफ कही थी। और ये बात वापस से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात इस गाने को लेकर भी साफ हुई है। सीटी मार सॉन्ग इज द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑफ सलमान खान फिल्म राधे। और बाकी दोनों गाने की बात करें तो जिसे दिल दे दिया गाने को 70 मिलियन प्लस व्यूज है ऑलरेडी, राधे टेरिटरी को 40 मिलियन प्लस व्यूज है, यानी कि सभी गानों को पब्लिक ने पसंद किया है। और यहाँ पर 150 मिलियन व्यूज डेढ़ महीने में हो चुके हैं, क्योंकि 26 अप्रैल फिर 26 में पकड़ लीजिए, यानी कि पूरी तरह से आज जो 9 जून पकड़ लीजिए, यानी प्रॉपर डेढ़ महीनों में इस गाने ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल किया है। 150 मिलियन व्यूज इज इनक्रेडिबल, बहुत बहुत अच्छा, यानी 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है अभी। और बताता हूँ आपको, 1.2 मिलियन इसको लाइक है, जो बहुत अच्छे लाइक है। करीबन 417K डिसलाइक है, यानी कि 416,000 डिसलाइक, 17,000 डिसलाइक। इसके अलावा 243K कमेंट, यानी कि 243,000 कमेंट है। भैया और क्या चाहिए सलमान खान फैंस को, और क्या चाहिए ट्रोलर्स को। ये वीडियो ना दोस्तों उन तक पहुंचाइएगा जरूर जो इस गाने की कमल तोड़ना चाहते थे, या कहा जाए बुराई करना चाहते थे, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा। मुझे पता नहीं इस पर व्यूज आएंगे नहीं आएंगे इस वीडियो पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इससे उन ट्रोलर्स को जरूर पड़ेगा जो इस गाने की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए वीडियो मैंने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा हटके ये खबर है, और ये खबर मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप लोग इसी तरह की खबरें अपडेट मुझे देते रहते हैं, और मैं भी इसीलिए फटाफट अपडेट आप तक पहुंचाते रहता हूँ। चलिए फिलहाल की इतना ही, बाबू मुशाय बाय बाय।